यूएस वीजा विंडो हिंदी सीरीज के दर्शकों, डॉक्टर सुधीर शाह एडवोकेट का नमस्ते। दर्शक मित्र, आपको क्या अमेरिका जाना है? घूमने जाना है? बिजनेस के लिए जाना है? वहां पढ़ने जाना है? वहां नौकरी करनी है? आपके बिजनेस की वहां शाखा खोल के वहां बिजनेस करना है? या फिर आप आर्टिस्ट है और वहां कुछ परफॉर्मेंस करना है? आप अखबार के रिपोर्टर है और कुछ रिपोर्टिंग लेने के लिए जाना है? या फिर आप धर्मगुरु है और आपके धर्म का फेरावा के लिए वहां जाने का है? नहीं, आपको वहां परमानेंट रहने पर जाना है। अरे नो प्रॉब्लम। सुनो, अमेरिका के द इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट 1952, उसके जरिए दो प्रकार के वीजा है। अगर आपको वहां परमानेंट रहना है तो इमिग्रेंट वीजा है, और अगर आपको वहां थोड़े समय के लिए टेम्पररी जाना है तो नॉन इमिग्रेंट वीजा है। और ये इमिग्रेंट वीजा जिसके जरिए आपको ग्रीन कार्ड मिल सकता है और आप अमेरिका में परमानेंट रह सकते हैं, वो कई तरह से मिलते हैं। अगर आप अमेरिकन सिटीजन से शादी करेंगे तो आप इमीडिएट रिलेटिव कहलाएंगे, और फिर आपके अमेरिकन सिटीजन हस्बैंड या वाइफ आपके लिए इमिग्रेंट वीजा का ग्रीन कार्ड का पिटीशन दाखिल कर सकते हैं। आपका भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी अमेरिकन सिटीजन है या ग्रीन कार्ड धारक है तो वो फैमिली फोर्थ प्रेफरेंस, फैमिली की चार प्रेफरेंस कैटेगरी है, उसके जरिए आपके लिए ग्रीन कार्ड का पिटीशन दाखिल कर सकती है। अगर आपको किसी अमेरिकन कंपनी ने जॉब दिया है और वो आपको इंडिया से अमेरिका काम करने के लिए बुलाना चाहते हैं तो वो लेबर सर्टिफिकेशन करने के बाद अलग अलग चार प्रकार की एम्प्लॉयमेंट बेस्ड प्रेफरेंस कैटेगरी है, उसके जरिए पिटीशन दाखिल करके भी आपको अमेरिका बुला सकते हैं, ग्रीन कार्ड दिला सकते हैं। आप पॉलिटिकल असाइलम या रेफ्यूजी स्टेटस मांग के भी अमेरिका जा सकते हैं। आप अमेरिका की मिलिट्री में ज्वाइन होंगे तो भी आपको ग्रीन कार्ड मिलेगा। अगर अमेरिका हर साल 55,000 ग्रीन कार्ड वीजा लॉटरी के जरिए देता है तो उसमें भी अगर आप भाग ले सकते हैं तो उसमें भी अगर आप विजयी हुए तो आपको ग्रीन कार्ड मिल सकता है। और कई बार अमेरिका की सरकार कई देश के लोगों को या कोई खास धर्म के लोगों को, खास जाति के लोगों को ग्रीन कार्ड देती है। तो ऐसे अमेरिका परमानेंट रहना है तो कई तरह से ग्रीन कार्ड मिल सकते हैं। और अगर आपको अमेरिका परमानेंट रहना नहीं है लेकिन घूमने जाना है, बिजनेस के जरिए जाना है तो उसके लिए भी नॉन इमिग्रेंट वीजा है। बिजनेस के जरिए जाना है तो B1 वीजा, घूमने जाना है तो B2 वीजा, पढ़ने जाना है एज ए स्टूडेंट तो F1, M1, J1, H3, वहां नौकरी करनी है तो H1B, आपका बिजनेस वहां खोल के, आपके बिजनेस की वहां ब्रांच खोल के वहां बिजनेस करना है तो L1 वीजा, न्यूज़पेपर के रिपोर्टर है तो I वीजा, एक्टर है, सिंगर है, डांसर है, म्यूजिशियन है तो P3 वीजा, धर्मगुरु है तो R वीजा, और अगर वहां जाके शादी करनी है अमेरिकन सिटीजन से तो K1 वीजा। तो ऐसे अमेरिका अगर परमानेंट रहने को जाना है या टेम्पररी थोड़े टाइम के लिए जाना है, दोनों के लिए अलग अलग प्रकार के वीजा की सुविधा है। जरूरत है आपको पहले तय करने की कि आपको अमेरिका परमानेंट रहने को जाना है या टूक समय के लिए जाना है, और फिर अगर परमानेंट जाना है तो आपको कौन से वीजा मिल सकते हैं, थोड़े समय के लिए जाना है तो आपको कौन से वीजा चाहिए, उसकी लायकात क्या है, ये सब जान लो और फिर अर्जी करो। कुछ मुश्किल नहीं है। और हाँ, अगर आपको ये बातें सब पूरी समझ में नहीं आती है या अगर आपको इसके लिए और कुछ जानकारी चाहिए तो टेंशन मत लो, मैं हूं ना, और मेरा मोबाइल नंबर है 9820419469 और मेरा ईमेल आईडी है sudhirshah1940@gmail.com sudhirshah1940@gmail.com।
तो दर्शक मित्रों, अमेरिका टेम्पररी जाना है, थोड़े समय के लिए जाना है, परमानेंट जाना है, कोई टेंशन मत लेना। हर एक काम के लिए, हर एक चीज के लिए अमेरिका के इमिग्रेशन के कानून में वीजा बनाए गए हैं। उसकी जानकारी अगर और भी आपको चाहिए, कम टू मी, टेंशन मत लेना, मैं हूं ना।